वहां पे किसी रियल लाइफ के हीरो के साथ में काम नहीं करने गई थी, मैं काम करने गई थी रियल लाइफ हीरो जो लोगों को इंस्पायर करे, क्योंकि जो ऑरा जो वो दिखाते हैं ना वो सच्चाई लोगों को धीरे धीरे पता चलेगी। जैसे कि मुझे चल, मैं घर पे रह के अगर चीजें समझ पाई हूँ तो बाहर के लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझेंगे जरूर। एक्जेक्टली, बिकॉज हीज अ रियल लाइफ हीरो जो रियल लाइफ की एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके आसपास जो सिक्योरिटी है या फिर जो लोग हैं वो ऐसे दिखाते हैं कि भाई हर एक आदमी वहाँ पे नेशनल प्रेसिडेंट है। क्योंकि वो घर कम था और वहाँ पे लोग कम थे, लोगों की सोच कम थी, और वो घर लोगों से बनता है ना कि लोगों के ईगो से। तो जहाँ पे ईगो होगा, जहाँ पे चापलूसी होगी, वहाँ पे आप बहुत लंबा टाइम तक काम नहीं कर पाएंगे। सिस्टम का भाव है, मैनेजमेंट का भाव है। वहाँ पे किसी रियल लाइफ के हीरो के साथ में काम नहीं करने गई थी, मैं काम करने गई थी रियल लाइफ हीरो जो लोगों को इंस्पायर करे। मछली को छुपा लोगे तो उसकी बदबू जो है वो दूर तक फैलेगी। तो वो जो है वो आई वॉश है। आप वहाँ पे जाते हो जीन्स पे कुर्ता पे, इट्स वेरी गुड, यू आर अ गुड स्टाइल आइकॉन, लेकिन आप जिस वजह से जा रहे हो, जिस काम से जा रहे हो, लोगों से मिलने जा रहे हो, उसके बाद क्या? आपने लोगों से मिला, जमीन पे बैठा, बात किया, उसके बाद क्या सोल्यूशन, क्या उसका आज तक कोई अता पता नहीं लगा। तो समय के साथ साथ चीजें जब सामने आई तो मेरा हमेशा से मानना है कि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान की सोच में बदबू है? सोच में नहीं, उनके जो ऑरा जो वो दिखाते हैं ना वो सच्चाई लोगों को धीरे धीरे पता चलेगी। जैसे कि मुझे चल, मैं घर पे रह के अगर चीजें समझ पाई हूँ तो बाहर के लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझेंगे जरूर। चिराग पासवान नेता नहीं अभिनेता है, मानती हैं? Definitely, because he's a real life hero जो real life की एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके आसपास जो सिक्योरिटी है या फिर जो लोग हैं वो ऐसे दिखाते हैं कि भाई हर एक आदमी वहाँ पे नेशनल प्रेसिडेंट है, और वो ये भी दिखाते हैं कि भाई नहीं वो मैंने क्या कहते हैं वो बहुत दूर की मैंने बहुत ऊपर की चीज है, उनसे मिलने का मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और अगर आप मास लीडर नहीं बन सकते हो तो बहुत दिन तक आप राजनीति में टिक नहीं सकते हो। जरूर आप दूसरी मूवी भोजपुरी मूवी आप जरूर कर सकते हो, क्योंकि लोग अभी आपको पसंद करने लगे, बिकॉज यू हैव अ गुड फेस, नथिंग मोर देन दैट। सॉरी, वो तो समय बताएगा, वो आप हम लोग के ऊपर छोड़ी। देखिए ऑनेस्टली बताएं, वो अगेंस्ट है कि फॉर है, वो बात की बात है, लेकिन जब भी मैंने सवाल किया आरजेडी को लेकर उनका जवाब कभी आता नहीं था, वो बात तो बिल्कुल सच है। लेकिन क्योंकि मैं प्रवक्ता हूँ और मैं महागठबंधन के खिलाफ और जो अभी जो बिहार का जो स्थिति है उसके ऊपर मैं हमेशा बात करते रही, आगे भी करते रहूंगी, तो डेफिनेटली वो तो एक उनका एक वीकनेस था ही और है भी। और जिस दिन आपका रेड वगैरह हुआ उस दिन भी मैंने इंटरव्यू दिया था तो मुझे घुमा के मना कर दिया गया था कि भाई आप तमिलनाडु के ऊपर बोलो। मैंने बोला नहीं, वो मेरे लिए अभी क्योंकि मैं बिहार में हूँ तो मुझे इस मुद्दे पे ज्यादा बात करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होगा। तो ये अभी लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है और बहुत जल्दी बहुत और कुछ पता चलेगा।